नमस्ते एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेक टू ब्रो में। आज हम बात करने वाले हैं रेडमी का और एक न्यू स्मार्टफोन रेडमी नोट 11s। हाँ गाइस, रेडमी इंडिया ने इसको ऑफिशियली टीज कर दिया है, ये बहुत ही जल्दी इंडिया में आने वाला है। तो चलिए आज हम वीडियो में इसके स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना कोई देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन में आप लोगों को 6.43 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। इसका पिक्सल डेंसिटी है 409 ppi। इस फोन में हमको शायद 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाएगा। अब आते हैं इस फोन के कैमरास पे। इस फोन के बैक साइड में हम लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसका प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f1.8। इसके बाद आप लोगों को एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है जो कि है 8 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.2। इसके साथ साथ आप लोगों को एक मैक्रो कैमरा मिल जाता है जो कि है 2 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.4 और आप लोगों को एक डेप्थ कैमरा मिल जाता है जो कि है 2 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.4। बैक साइड में आप लोगों को एलईडी फ्लैश मिल जाता है। ये कैमरा 180p 30fps तक वीडियो को शूट करता है। अब आते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा पे। इस फोन में आप लोगों को सेल्फी कैमरा मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.5। ये कैमरा 180p 30fps तक वीडियो को शूट करता है। ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आने वाला है। इस फोन में हमको MIUI 12.5 मिल जाएगा। अब आते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस पे। इस फोन में आप लोगों को मीडियाटेक हेलियो G95 जो कि एक 12 नैनोमीटर बेस ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जिसका 2 कोर 2.05 गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक किया गया है कॉर्टेक्स A76 के साथ, और 6 कोर आप लोगों को मिल जाते हैं 2 गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक किया हुआ कॉर्टेक्स A55 के साथ। इस फोन में आपको GPU मिलेगा माली G76। इस फोन में आपको लाउडस्पीकर मिल जाएगा 3.5 mAh, इस फोन में नहीं मिलेगा। अब आते हैं इस फोन के बैटरी पे। इस फोन में आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग तो मिल जाती है, लेकिन ये पता नहीं 120W हाइपर चार्ज के साथ आएगी या फिर उससे कम की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी। इस फोन में आपको USB टाइप सी मिलता है। अब आते हैं इस फोन के रैम एंड स्टोरेज पे। ये फोन हम लोगों को शायद 3 वेरियंट में मिल जाएगा। एक वेरियंट आप लोगों को मिलेगा 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, और दूसरा वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और तीसरा वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। इस फोन में आप एक्सपेंडेबल मेमोरी लगा सकते हैं अप टू 512GB तक। ये फोन हमको Xiaomi 11 है, हाइपर चार्ज की तरह ही दिख रही है। शायद थोड़ी और अपडेट्स के साथ ये फोन आएगी। इस फोन में आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है। अब आते हैं इस फोन के लॉन्च डेट एंड प्राइस पे। ये फोन इंडिया में फरवरी 9, 2022 को लॉन्च होने वाला है एंड इसका प्राइस होगा अराउंड 20,000। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और हाँ, मेरे चैनल पे नया आया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के और भी नए वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए आप लोगों के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।